जनाब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए जनाब, कितने पास गए थे तुसी जी? कहाँ रह गए थे आप? भाई हमारे घर में ना एक नन्ही परी आई है। परियां रात को जाती हैं, तो हम भी जा रहे हैं। अरे सदके जाओ, कैसी है जी आपकी नन्ही परी? क्या नाम रखा आपने नन्ही परी का? ऐना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप भी ड्यूटी दे रहे थे? यस, कल हम बस समझ लें कि आज सोई नहीं है, सिर्फ एक घंटा डेढ़ घंटे की नींद हुई है। ड्यूटी तो अब हम सब की तमाशा के बाद हम तो बर्तन भी घर पे धोते हैं। अरे हम तो हमारी सुबह शाम ड्यूटी लगती है। हम एक अलग कोर्स करके निकले तमाशा से। पर मुझे ये बताएं, ऑफ कोर्स जो तमाशा में आपका टाइम था उस टाइम में योर वाइफ वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग, आपने फेसबुक पे जब शेयर किया मैंने कहा ये तो भी रियलिटी शो में थे, वो कितना मुश्किल टाइम था फॉर यू एंड फॉर हर? इमोशनल मेरे लिए तो बहुत खतरनाक वो था कि कॉन्स्टेंटली मेरे थ्रू आउट ना दिमाग में चल रहा था बाहर क्या हो रहा है, लाइक तो ठीक है नहीं, क्योंकि जब इवन जिस टाइम बेटा भी पैदा हुआ था कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी, तो वो कॉन्स्टेंटली ना आपको एक थॉट वो रहता है, रिमाइंडर रहता है कि यार अल्लाह ना करे कुछ चीज, मतलब अल्लाह ना करे कुछ खराब ना हो, तो हाँ वो था। आई रिमेम्बर ही वाज वेरी वरीड, ये बोल रहा था यार हैं और फिर वो कहते हैं सारी चीजों का ख्याल भी आपको रखना है। अच्छा आप वैसे बड़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप टिल द लास्ट डे यू विल बी देयर, ठीक है, और लोगों तो आप फाइनलिस्ट में से होंगे। भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, वोट नहीं कर रहे थे। भाई वोट भी कर रहा था। बहुत सारे लोगों को वोट भी नहीं किया। They were liking a lot of contestants, but I think शायद वोट करने में बहुत सारे लोग लेजी हो गए थे या क्या हो गए थे। सारे हर शख्स पर वोट करने में इतनी वो नहीं करता। तो अरे ना वोट किया ना लोगों ने मुझे, यार क्या कह रही है, मेरे लोगों ने जिन्होंने वोट किया उनको तो इवन अदनान भाई अक्सर हमें रिमाइंडर्स भी देते थे कि अपने फैंस से कहें कि कमेंट्स ना करें, आपके अच्छे मीम्स ना बनाएं, वोट करें आपके लिए। लेकिन भाई जितनों ने भी किया, जहां तक किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको वैसे अपनी एलिमिनेशन में नाराजगी थी? नहीं नहीं कोई नहीं, मैं तो एक तरह से मुझे मेंटल लीज था कि मैं घर पहुंच रहा हूं, बेगम की ये हालत है। जिस दिन मैं एलिमिनेट हुआ तो उस दिन अकील था वहाँ पे, अरसलान था वॉशरूम में, तो मैं यही बात कर रहा हूँ यार, क्योंकि अक्सर मैं घर से ना पूछता रहता था, मतलब मैसेज भी होता था कि भाई तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है। तो फिर मुझे एक दफ़ा मैसेज पहुंचा कि लाइक अक्टूबर 1st जो है वो डेट आई है, डेट ड्यू डेट आती है। एंड आई वाज लाइक, और हमारा फाइनल है कि 3rd को था। अरे भैया हम उस टेंशन में, हमने कहा यार ये 1st हो ये वो, उस दिन ये समझ ले कि ये पूरी दोपहर तक ना यही परेशानी थी कि यार 1st डेट आ गई ये वो ये वो, और उसी शाम में एलिमिनेट हो गया। तो इट वाज नॉट अ सरप्राइज। मतलब ये फ्री मेरे yes, घर से निकलना, जिसमें आपको खुशी हो रही है कि यार शुक्र है मैं घर से निकला। लेकिन जब जा रहे थे और ऑफ कोर्स आपको टाइम नहीं पता कि आप कितने टाइम के लिए रह रहे हैं, तो व्हाट वाज इन योर माइंड आज, मतलब कि आई एम श्योर कुछ 100 चीज़ें चल रही होंगी कि अच्छा यार मैं जा रहा हूँ, मुश्किल भी होगा, पीछे छोटू भी है, बेटा भी मिस करेगा। बेटा तो बहुत, वो असल में जिस वक्त मैं लाइक मेंटली उनको प्रिपेयर कर रहा था उस पूरे टाइम में, मुझे पता था छोटा भी संभल जाएगा, अम्मी भी समझ जाएंगी। मेन एक कहते ना कंसर्न जो था वो वाइफ का था मुझे। मैंने कहा ऐसा टाइम पे छोड़ के जाना, और ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा वल्नरेबल टाइम होता है, वल्नरेबल टाइम होता है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि मैंने स्पेशली ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले साइन किया था। तुम तब प्लान नहीं किया तब ये तो अल्लाह ताला की तरफ से था। तो ऑब्वियसली इस टाइम पर आके ये कहना कि यार इस तरह की सिचुएशन है, तो मेरी भी मिसकमिटमेंट होती, तो वो भी मैं नहीं कर सकता था, लाइक पर्सनल लाइफ अपनी जगह पर, लेकिन वो प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। तो वो तो था, लेकिन हाँ फिर दिल पे पत्थर रख के जाना पड़ा था। और अच्छा मैं बड़ा अपने को स्ट्रांग करके सब कुछ करके जिस दिन हम जाने लगे, यानी हमें आज से स्टार्ट करना है शो, जो हमारी बेगम रोई है ना, हमें जाने कर ले भाई अब क्या होगा, तो खुशी से रो रही थी। नहीं भाई हम बहन भाई की तरह लड़ भी रहे हैं, मर भी रहे, साथ बैठ के खाने भी खा रहे हैं, खाने भी खा रहे हैं, साथ बैठ के। सबसे अच्छी दोस्ती किससे हुई वहाँ पे? यार बहुत सारे लोगों से हुई, अगर हम सबसे कलेक्टिव पूछा जाए तो हम सब का एक जो कहते हैं ना दोस्त कह लें, भाई कह लें, अब्बा कह लें, मानी अम्मी हमारे मानी भाई
उनसे हम सब का बॉन्ड था. अच्छा लेकिन like, कुछ जो सामने चीजें निकल के आ रही थी वो मे बी शायद कवरेज ऐसी होती है या जो परसेप्शन है वो ज़रा बनती है वो कि बहुत अच्छी परसेप्शन जो है वो नहीं बन सकी मानी भाई की. मानी भाई की अच्छा. जब तक वो एलिमिनेट नहीं हुआ जब वो गए थे व्हेन एवरीबॉडी वाज क्राइंग तब लोगों को अच्छा नहीं यार ही वाज अ नाइस गाय क्योंकि लोगों को लगता है कि यार वो बड़े रूड हैं. तो आपको लगता है कि आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि कहीं लोगों ने आपको सही जज नहीं किया? अच्छा इसमें लोगों का कसूर नहीं है. होता पता क्या है देखें हम तो 24 घंटे रह रहे हैं ठीक है उस घर में. हम सुबह उठने से लेके रात सोने तक वो पूरे सर्कमस्टेंसेस हम खुद ऑब्जर्व भी कर रहे हैं फर्स्ट एंड विटनेस भी उस चीज़ के. तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हम पर्सनल फील कर रहे होते हैं शायद वो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही उन चीज़ों से. वो इमोशंस शायद मेरे और अनम या अकील के बीच में होंगे. ऑडियंस एक अलग एंगल से देख रही होती है. वो एक घंटे के एपिसोड में इवन जो अनकट भी देख रहे हैं उनको पूरा लाइक अगेन वो एक विजुअल देख रहे हैं. वो इमोशंस जो हम वहाँ पे फील कर रहे हैं वो उनको नहीं फील होते हैं. तो आई गेस वो एक बैरियर कह लें उसको कि घर के अंदर रहने का वो मानी भाई का फेलियर कह लें कि वो ऑडियंस को जो है कनेक्ट नहीं कर पाए कुछ भी रीजन. दानिया हमारे पिछले दिनों शो में आई थी. दानिया बात करती थी कि सोशल मीडिया पे जो है ना वो बड़ी नेगेटिव लोगों के कमेंट्स भी आए. सो आपको भी लगता है कि जी लोगों ने शायद आपकी इमेज को भी लेके नेगेटिव कमेंट किए हैं क्योंकि यही बात होती लोग कहते हैं कि शायद हमें समझ नहीं पाए लोग या हम अपना वो सही वाला साइड लोगों को दिखा नहीं सके. मेरे कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए एंड आई वाज वेरी सरप्राइज बिकॉज कि इतना मुझे ऑडियंस ने लाइक किया मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी. लाइक 64 डेज बाद जब मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने कमेंट्स पढ़े आई वाज लाइक यू कि पता नहीं मैं तो अपना रियल सेल्फ दिखा रही थी कि मैं जो थी वो मैं थी. और जैसे मैंने बोला मेरी पर्सनालिटी में कोई फिल्टर नहीं है. मेरे घर वालों को मुझसे ये शिकायत होती है कि भाई थोड़ा सा तो कभी डिप्लोमेटिक हो जाएगा तो मैं नहीं होती. तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पीपल वुड लाइक दिस सिली एंड विटी एंड फनी साइड ऑफ माइंड. मेरे ज़ाहिर है मैं जज्बाती भी हूँ रो भी देती हूँ. मुझे नहीं पता था कि लोग ये सारा मेरा कॉम्बिनेशन लाइक करेंगे. घर का सबसे बेस्ट और सैड मोमेंट कौन सा था जो आप बताना चाहते हैं? सैड मोमेंट जब बहुत सारे लोग एलिमिनेट हुए मानी जब एलिमिनेट हुए तो वो जैसे कि इन्होंने कहा कि सबके वो अच्छे फ्रेंड थे सबकी अच्छी बॉन्डिंग थी. मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी. मैं बहुत उस दिन रोई. मैंने कहा हाय एक अच्छे दोस्त चले गए पता नहीं हम किस तरह सर्वाइव करेंगे यहाँ पे. आपके लिए सैड पार्ट सैड मोमेंट तो सैड मोमेंट कौन सा होगा? आई गेस मानी भाई की एलिमिनेशन ऑब्वियसली एक वो तो हम सब रोए थे. इवन मानी भाई एंड नुमान क्योंकि नुमान से मेरी लाइक बहुत पुरानी दोस्ती है और उससे घर में वो भी रहा. हाँ नुमान के स्टूडियो में बहुत. और आपके लिए? मेरे लिए तो मानी भाई इसलिए कि मैं कभी रोया नहीं. मुझे रोना बहुत कम आता है. मैं कह रहा हूँ ना मानी भाई हम बहुत सारे लोगों का एक म्यूचुअल पॉइंट. मानी भाई की एलिमिनेशन पे मेरे आंखों में आंसू आ गए. पहले तो मैंने खुद कहा कि यार शुक्र है आंसू अंदर है फैक्ट्री बंद नहीं हुई. तो मैं नहीं रोता कभी. बड़ा मुश्किल होता है. तो वो आई वाज क्राइंग उस टाइम. तो मैंने कहा यार ओके. अच्छा मानी भाई का ये भी था कि हम लोग की ना वो सारा दिन का प्रेशर होता था. जब हम थे एक तो वॉशरूम की बात करते हैं तो ऑडियंस को बार बार बताते हैं दो वॉशरूम थे थोड़ी आगे से जगह थी. हम वहाँ पे अक्सर के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं. हम आगे अपने कॉफी टेबल पर और मैं हमेशा से कहती हूँ कि भाई ये जो चीज़ें आप उसको खा सकते हैं. हाँ बिल्कुल आप उसको खा सकते हैं. और इसके साथ साथ आपने एक ओथ भी लेना है. ओथ आपने लेना है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा. ठीक है. देखा ना ये दबंग हमारी अनम आई. अच्छा सवाल ऐसे नहीं किसी थोड़े परेशान हूँ. अनम देखने की पहले कोशिश कर रही है. अच्छा जी वो कौन है आपकी जिंदगी में जिसको आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है? स्टार्ट फ्रॉम यू. मेरे चेहरे से पता चल जाता है आपके अंदर क्या चलता है. ऑफ कोर्स मेरी अम्मी मेरे बड़े भाई. इन दोनों के चेहरे से पता चल जाता. पूछते फिर भी नहीं है. बस कहते कुछ है पूछूंगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ये बता देगा. तो इस वजह से चेहरा देख के वो समझ जाते हैं कि अब इससे बात नहीं करें. बट दूर दूर से देखते कुछ उल्टी सी हरकत नहीं कर रहा. यू नो वो कहते हैं ना कि यार अब ये मसले में से पूछूंगा तो ये सर पड़ जाएगा. तो मेरी अम्मी और मेरे बड़े भाई. आपके कौन है? अम्मी. बस जब मैं कभी नींद नहीं आती रात में तब मैं सुबह उठ के कहती हूँ भाई मुझे नींद नहीं आई आज.
या मैं चुप चुप हूँ क्योंकि मैं हंसती खेलती रहती हूँ सबके साथ, मस्तियाँ करती रहती हूँ, तो जिस दिन ये नहीं होता तो उस दिन अम्मी को बचल जाता है, और जब तक वो पूछ नहीं लेती कि हाँ मसला क्या है, जब तक जड़ तक नहीं पहुँच जाती हूँ मुझे नहीं मिलता तो, लेकिन वो कुछ आगे से वो सोल्यूशन दे रही थी हाँ, तो बताती अच्छा यू कर लो ऐसे कर लो, मैं कहती यार छोड़े आपको नहीं पता आपको कौन है सब मेरे इट्स राइट देयर ऑन माय फेस, अगर मैं डिस्कम्फर्ट है मेरी ऊपर कोई या मैं परेशान हूँ कोई अजनबी लोग कह रहे हैं ये परेशान है मेरी शक्ल पे आया था मैं हूँ इसको पता है मेरी शक्ल पे आया था, जो बेचारा कोई नया भी मिला ना मुझसे वो भी कर लेगा कि हाँ ये अपने जोन में नहीं है भाई। अच्छा क्योंकि ना मैं अयाज को वाकई में हंसते हुए ही ज्यादा देखा और हंसते हंसाते हुए वैसे भी कभी गैदरिंग ऐसे लोग ज्यादा पकड़ में आते हैं। बात बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे जिंदगी मुश्किल लगी जब मैं 2.5 घंटे मार खाई सही कहा ना मैंने 2.5 घंटे मैंने मार खाई आपको पता है टास्क क्या था वो टास्क ये था कि स्प्रिंग थे मैं बताता हूँ ऐसे ही राउंड था कुछ था उसके नीचे स्प्रिंग थे उसके ऊपर बैलेंस करके आपको खड़े होना था ओके और आप बैलेंस करके खड़े हो रहे हैं और आपको चारों तरफ से मार पड़ी है वो फुटबॉल से मार रहे एक टाइम जब 1 घंटा गुजरा 2 घंटा तो बादशाह साहब ने कहा वजीर साहब आप भी मार सकते हैं सब मिल गए और उन्होंने मुझे गिराना चाहा तो उस वक्त जब मुझे पड़ रही थी तो मैंने कहा जिंदगी काफी मुश्किल है। अच्छा ये तो आपका रियलिटी शो ना मैं रियलिटी शो से हट के बात रियलिटी की बात कर रहे हैं मैं अब रियलिटी की बात कर रही हूँ तो वैसे वो रियलिटी ही थी जो मैंने मार खाई।